हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं बनाने वाली हूँ जामुन क्रश। आप इसे जामुन का जैम भी बोल सकते हैं। जामुन बहुत ही हेल्दी फ्रूट होता है, और अगर इस तरीके का आप उसका जैम या क्रश बना के रखते हो तो आप जामुन से बनाने वाली इंस्टेंट चीज़ें बना सकते हो। तो यहाँ पर मैंने लिया है जामुन, उसे अच्छे से वॉश कर लिया था, उसके बाद मैंने उसका जो पल्प होता है उसको इस तरीके से निकाल लेना है हमें। आप जिस क्वांटिटी में भी बनाना चाहते हैं उस हिसाब से जामुन ले लीजिए, और उसके जो बीज हैं उसे हमें फेंकना नहीं है। हम बीज में जो पल्प लगा है थोड़ा बहुत, हम उसे भी निकाल लेंगे, हमें कोई वेस्टेज नहीं करना है। तो यहाँ पे लगभग हम आधा कप पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद अब हमें इसे हाथों से इस तरीके से जो बीज हैं उन्हें अच्छे से मसलना है। जब हम बीज को अच्छे से मस लेंगे तो इसमें जो भी पल्प लगा होगा वो सब निकल आएगा, वो इस तरीके का कुछ मिल जाएगा हमें। अब हमें एक छन्नी ले लेनी है और इसको इसमें डाल देना है। इससे हम इसको छान लेंगे तो जो पानी है उसमें इसका सारा जो पल्प है वो आ जाएगा, इसका जो जूस है वो निकल आएगा। ये देखिए, हमें उसका जो जूस है वो मिल गया है। इसे हम बाद में यूज़ करेंगे तो साइड में रख देंगे। अब यहाँ पर हम जार ले लेंगे और जो हमारा जो पल्प था जामुन का उसे हमें इसमें डाल देना है, और इसे हम पीस लेंगे। बहुत ही स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है हमें इसका। जामुन हमें सिर्फ इसी सीज़न में देखने को मिलता है, वरना पूरे साल हमें इसे देखने को नहीं मिलता है। तो अगर आप इस तरीके का क्रश बना लेते हैं उसका, तो आप कभी भी जामुन से रिलेटेड चीज़ें बना सकते हैं। तो ये देखिए, ये इसका स्मूथ पेस्ट बन गया है, बहुत ही सुंदर कलर लग रहा है। और इसको अब हमें इस पेस्ट को एक बाउल में निकाल के रख लेना है। अब हमने एक गहरा बर्तन ले लेना है, गैस की फ्लेम को मीडियम पे रखना है, और जो ये जामुन का पानी था इसे इसमें डाल देना है। इसके पानी को हम गर्म होने देंगे। जामुन जो होता है वो हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है और हमारे खून के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ये हमारे स्किन को बहुत अच्छा लगता है, और डायबिटीज़ वालों के लिए तो ये बेस्ट है। ये देखिए, पानी गर्म हो गया है इसका। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ रॉ शुगर। रॉ शुगर मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल रही हूँ। जो पल्प है वो लगभग एक कप है, तो मैं यहाँ पर आधा कप रॉ शुगर डाल रही हूँ। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप भी रॉ शुगर या खजूर का पेस्ट या गुड़ इस्तेमाल करें। रिफाइंड शुगर बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होती, ये आप सबको पता है, तो उसको यूज़ क्यों करना हमें। ये देखिए, इसे हमें बॉयल कर लेना है, और ये बहुत अच्छे से बॉयल होने लगा, इसमें जो बबल्स हैं वो आने लगे हैं। अब इस स्टेज पर हम क्या करेंगे, जो हमारा पल्प है, पेस्ट जो हमने बनाया था उसका, उसको हमें इसमें डाल देना है। अब इसे हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। जामुन जो होता है वो हमारे वेट मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है, और इससे हमारे, इसको जब हम खाते हैं तो इससे हमारे टीथ और गम्स वो भी स्ट्रांग होते हैं। तो ये देखिए, ये अच्छे से हमारा मिक्स हो गया है। अब हमें क्या करना है, हमें इसे कंटिन्यूस चलाते रहना है। कंटिन्यूस चलाते हुए हमें इसे पका लेना है, और उसे हमें जब तक पकाना है जब तक कि हमें इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थिक नहीं हो जाती, इसमें जो भी मॉइस्चर है वो एवेपरेट नहीं हो जाता है। तो आप देखेंगे, ये देखिए, ये बॉयल होने लगा है, इसमें बबल्स आने लगे हैं, तो हमारा जो पल्प है, ये पेस्ट है, वो अच्छे से बॉयल हो रहा है। तो अब हम इस जो गैस की फ्लेम है उसे लो पे रख देना है, और हमें साइड्स में अब ये चिपकने लगेगा, तो हमें साइड से निकाल के इसे मिक्स करते जाना है और कंटिन्यूस इसे चलाते जाना है। अगर हम इसे छोड़ देंगे तो ये नीचे चिपकने लगेगा, और आप देखेंगे इसका कलर जो है वो डार्क होता जाएगा। पहले के कंपेयर में ये काफ़ी थिक हो गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून काला नमक। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 नींबू का रस। इसे हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम अपनी गैस की फ्लेम को मीडियम हीट पे कर लेंगे, और इसे हमें कंटिन्यूस चलाते रहना है। हम इसे थोड़ा और थिक करेंगे, तो ये देखिए, ये बबल्स आ रहे हैं। अभी हम इसे कंटिन्यूस चलाते रहेंगे मीडियम हीट पर ही। हम इसे लगभग 5 से 6 मिनट के लिए चलाते हुए अच्छे से और पका लेंगे। तो ये देखिए, अब ये बिल्कुल परफेक्ट है। हम अपनी गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे, और अब इसे हमें ठंडा कर लेना है।
आप देख रहे होंगे ये और थिक होता जाएगा और इसका कलर भी और डार्क हो जाएगा। हमें बिल्कुल ठंडा कर लेना है इसे। अब ये बिल्कुल ठंडा हो गया है, अब इसे हम स्टोर करेंगे। तो आप कोई भी ग्लास जार ले लीजिए, तो मैं यहाँ पर एक ग्लास जार लिया है। अच्छे से धो लेना है, उसको सुखा लेना है, उसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। अगर आप इसे एक वीक के लिए स्टोर कर रहे हैं तो आप फ्रिज में स्टोर कर दीजिए, वरना आप इसे फ्रीज़र में डाल दीजिए। अब आप इस क्रश को शरबत बनाने में, कुकीज़ में, केक्स में, आइसक्रीम में, एज अ जैम भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए परफेक्टली थिक है ये और बहुत ही टेस्टी है ये। तो अब मैं आपको इससे शरबत बना के दिखाऊंगी, तो चलिए अब उसको बनाते हैं हम। तो यहाँ पर मैंने एक ग्लास ले लिया है और उसकी एजिस पे हमें नींबू का रस लगा देना है। इसके बाद हमें प्लेट में नमक या आप चाहें तो रेड चिली भी ले सकते हैं। इस तरीके से हमें ग्लास को डिप करना है। तो ये देखिए इसके एजिस पे सॉल्ट लग गया है। अब इसमें मैं आइस क्यूब डाल रही हूँ, तो मैं यहाँ पर 2 आइस क्यूब्स डाल रही हूँ। मैं यहाँ पर थोड़ी सी क्वांटिटी में शरबत बना रही हूँ। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं तो आपको उसी अकॉर्डिंग इसमें चीज़ें एडजस्ट करना पड़ेगा, मीठा वगैरह एडजस्ट करना पड़ेगा, स्पाइसेस एडजस्ट करने पड़ेंगे। अब इसमें मैं जामुन क्रश डाल रही हूँ, तो मैं यहाँ पर लगभग 2 चम्मच जामुन क्रश डाल रही हूँ। और अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं तो आपको इसको ज़्यादा डालना होगा। अब मैं यहाँ पर ठंडा पानी डाल रही हूँ। अब इसे हमें मिक्स कर लेना है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा चाट मसाला डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, वरना स्किप कर दीजिए। उसके बिना भी ये बहुत टेस्टी लगेगा। इसको मिक्स कर देना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसको हम गार्निश करेंगे मिंट लीफ से। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।